नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में मैं मनीष नैनीवाल आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। हम कबीरदास के शब्द यानी उनके पदों का अध्ययन कर रहे थे और कबीरदास अध्याय से हमने चार पदों का अध्ययन पूर्व में वीडियो तक कर लिया है। आज हम उनका शब्द नंबर 5 यानी उनका 5वां पद जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसका अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। तो पद इस प्रकार से हैं, पंडित बाद वदन वदे सो झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो धाजे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जे भागे, तो सब कोई तिरी जाई, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरती आने, बिन देखे बिन दरस परस बिन, नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होई, तो निर्धन रहे न कोई, सांची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन सो हाँसी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो बांधे जमपुर जासी। जो प्रस्तुत पद हैं कबीरदास द्वारा रचित, उनके शब्द शीर्षक का 5वां पद है। इस पद में कबीरदास बतलाना चाह रहे हैं कि मनुष्य भगवान की सच्ची भक्ति करके ही अपना उद्धार कर सकता है और जब तक ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं होगा तब तक वह किसी भी प्रकार से उसका उद्धार नहीं हो सकता। और इस पद में कबीर ने कई सारे उदाहरण देकर इस बात को भी पुष्ट किया है कि भगवान की सच्ची भक्ति करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है, सिर्फ उसका नाम रटने से कुछ नहीं होगा। तो इसका अर्थ हम करते हैं, कबीर कह रहे हैं पंडित वाद वदन्ते वदे सो झूठा। पंडित लोग जो विद्वान लोग हैं, जो वाद विवाद करते हैं, शास्त्रीय वाद विवाद, ये सब झूठ हैं, व्यर्थ हैं। क्योंकि यदि राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मिटा, क्योंकि अगर सिर्फ राम राम कह देने से ही ये दुनिया गति पा जाती, अर्थात सिर्फ राम के नाम का बार बार उच्चारण कर लेने मात्र से ही अगर मुक्ति या मोक्ष मिल जाता तब तो खांड कहे मुख मीठा, खांड कहने से मुंह मीठा भी हो जाना चाहिए। यानी कबीर यहाँ उदाहरण देकर बता रहे हैं वो कि अगर राम राम रटने से ही बिना सच्चा प्रेम हुए, बिना उस ईश्वर या उस राम के प्रति मन में सच्चा प्रेम उपजे या उसकी आत्मिक अनुभूति किए बिना ही अगर उसका नाम रटने मात्र से ही मोक्ष या मुक्ति मिल जाती तो खांड कहने से मुख मीठा भी हो जाता, पावक कहे पाँव जो दाजे, पावक आग शब्द कहने से ही पाँव भी दाज जाता यानी जलन का अनुभव भी हो जाता, जल कहे तृषा बुझाए और जल कहने मात्र से ही प्यास भी बुझ जाती, भोजन कहे भूख जो भागे, अगर तो भोजन कहने से भूख भी मिट जानी चाहिए, सो सब कोई तर जाए, इस तरह तो इस संसार में हर कोई तर जाता। यानी इस प्रकार से ये जो उदाहरण दिए गए हैं इनके माध्यम से कबीर ये बतलाना चाह रहे हैं कि ईश्वर का के प्रति सच्चा प्रेम, उसके प्रति सच्ची लगन नहीं होगी तब तक हमारा उद्धार या हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। सिर्फ उसका नाम को बार बार उच्चारण करने से या उसके नाम को रटने से ही अगर मुक्ति मिलती तब तो इस संसार में हर व्यक्ति ही तर जाता, हर व्यक्ति को ही मुक्ति मिल जाती। आगे हैं, नर के संग सुआ हरि बोले, मनुष्य के साथ साथ तोते भी उच्चारण करते हैं। मनुष्य के द्वारा पालित जो तोते होते हैं, जो बोलते हैं, उच्चारण करते हैं,
तो अगर किसी मनुष्य के राम का नाम लेने के बाद तोते के द्वारा उसका उच्चारण करने से, यानी तोते जो नकल करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो भी हरि का नाम बोलते हैं, लेकिन हरि प्रताप न जाने, लेकिन वो हरि के प्रताप को नहीं जानते, हरि के यानी राम के प्रभाव को नहीं जानते हैं। जो कभू उड़ जाए जंगल में, अगर वह तोता कभी उड़कर जंगल में चला जाए, स्वतंत्र हो जाए, तो बहुरी ने सुरती आने, तो उसे दोबारा कभी उस राम की याद भी नहीं आएगी, जिसका नाम वो कभी उच्चारण करता था, उसको उस राम की कभी दोबारा सुरती यानी याद भी नहीं आएगी। बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लिए का हो, इस प्रकार बिना देखे उस ईश्वर को, बिना देखे बिना दरस परस के उसका नाम लिए ने से कुछ भी फायदा नहीं है, यानी बिना ईश्वर के साक्षात्कार के, बिना उसको देखे, बिना दरस परस यानी बिना उसकी आत्मिक अनुभूति के, बिना उसको अनुभव किए, बिना उससे सच्चा प्रेम सच्ची लगन रखे, बिना नाम लिए का उसका नाम रटने से कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार फायदा नहीं है जिस प्रकार धन के कही धनिक जो हो तो निर्धन रहे न कोई, धन कहने से कोई भी धनिक नहीं हो सकता, धन का नाम लेने से ही कोई धनवान नहीं हो जाएगा, अगर ऐसे हो जाते तब तो कोई निर्धन भी नहीं रहता, हर कोई धनवान हो जाता। उसी प्रकार से राम का नाम रटने से ही हमारा उद्धार नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में कोई भी बिना उद्धार के नहीं रहता, सभी का उद्धार हो जाता। आगे हैं, साची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन सो हासी, तो जो लोग इस प्रकार से नाम, सिर्फ नाम रटते हैं, ईश्वर के नाम को रटते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं और उनसे सच्चा प्रेम नहीं करते, ऐसे लोग वास्तव में उनकी सच्ची प्रीत तो विषय वासनाओं से होती है, सांसारिकता से होती है, माया से होती है। ऐसे लोग जो ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं करते, ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं करते, ईश्वर के प्रति लगन उनमें नहीं है, ऐसे लोग अगर ईश्वर के नाम को उच्चारित करते हैं, उनका नाम रटते हैं, राम राम करते रहते हैं, ऐसे लोग वास्तव में उनकी जो सच्ची प्रीत है वह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति होती हैं, माया के प्रति होती हैं, हरि भक्तिन सुहासी। और ऐसे लोग वास्तव में ऐसा काम करके यानी राम नाम रट के वास्तव में हरि के जो सच्चे भक्त हैं उनका मजाक बनाते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे तो बांधे जमपुर जासी, ऐसे लोग जो ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, कबीर दास उनके बारे में कह रहे हैं कि जिनके मन में या जो हृदय से प्रेम नहीं करते हैं ईश्वर को, या जिनमें ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, वे वास्तव में अपने कर्मों से बंध करके जमपुर जासी यमपुर में जाएंगे, यानी वास्तव में ऐसे लोग उनका उद्धार तो हो नहीं सकता, और वास्तव में ऐसे लोग अपने कर्मों से ही बंध करके यमपुर जाएंगे, यमपुर ही उनका ठिकाना रहेगा, उनकी मुक्ति तो असंभव है। तो इस प्रकार इस पद में कबीर ने जो पाखंड और ढोंगी लोग होते हैं, जो अंध आस्था हैं, इन सब पर कटाक्ष किया है, इनका खंडन किया है। इसके साथ ही कबीर ने भगवान की सच्ची भक्ति करने का संदेश इसमें दिया है। सिर्फ नाम राम, राम का नाम जो रटने की बात है उसका विरोध किया है, जो तोते की तरह नाम का रटते रहते हैं और ईश्वर की सच्ची भक्ति में अंतर कबीर ने बताया है। इनमें कई सारे उदाहरण दे करके अपनी बात को सिद्ध भी किया है। इस प्रकार कई सारे दृष्टांत देने से दृष्टांत अलंकार भी हैं, अनुप्रास तो हैं ही। अब इससे आगे अगला पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।